सलमा जी। बेगम साहबा, नुमान बाबा हैं कि चले गए? नहीं, वो तो अपने कमरे में ही है। बीवी से लड़ने का सोग मना रहा होगा। अच्छा खैर, तुम जाके नुमान के लिए और जारा के लिए नाश्ता बना दो। लेकिन उन्होंने तो फैजा बीबी के साथ अपने कमरे में नाश्ता कर लिया है। क्या? लेकिन वो तो गेस्ट रूम में थी। नहीं जी, वो तो अपने कमरे में ही है। अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए गर्म प्याली चाय की तो बनाओ। जी अभी लाइए। मैंने तो खुद उसको देखा है, झगड़ा करके वो कमरे से बाहर निकल के गई है। मामा जैसे गई थी वैसे वापस आ गई होगी। ऐसी लड़कियों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी होती है। पता नहीं कब इसके सर से फायजा का भूत उतरेगा। बस बहुत हो गया है, मुझे खुद इससे बैठ के बात करनी पड़ेगी। कहाँ जा रही हो? जी अम्मी, आपको बताया तो था कि मेरी शाम की नौकरी लग गई है। मलिया मेरी बात सुनो बेटा। देखो मैंने बहुत सोचा तो मेरी ये बात समझ में आई कि हम गलत हैं और मेनाज बिल्कुल ठीक कह रही है। हम असगर को पैसे क्यों दें? अब मेहनाज असगर की जिम्मेदारी है ना बेटा। अम्मी आप भी बिल्कुल फाहद जैसी बातें कर रही हैं। वो भी मुझे यही कह रहा था कि असगर को पैसे देना मतलब उसकी हिम्मत बढ़ाना। हाँ तो बेटा, हर बाशऊर इंसान ऐसी ही बातें करेगा। हट्टे कट्टे इंसान की मदद करना कहाँ की अकलमंदी है। लेकिन तुम हो के जिद पे अड़ी हुई हो। अम्मी मैं जिद नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है आप और फहद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप ही के कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। असगर को खुद भी तो सोचना चाहिए ना। तो तुमने तय कर लिया है कि इस महीने की सारी तनख्वाह तुम असगर को दे दोगे? जी अम्मी, फिलहाल तो मैंने यही सोचा है, क्योंकि असगर तो आप ही को खर्चा देगा नहीं, आप ही अपना घर कैसे चलाएंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, जिस दिन असगर नौकरी करने लगेगा मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी और उसे पैसे देना भी छोड़ दूंगी। फिर तो तुम भूल ही जाओ, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना असगर नौकरी करेगा और ना ही तुम इस नौकरी को छोड़ सकोगी। लेकिन मलिया एक बात याद रख लेना, मैंने फहद को सिर्फ एक महीने का वक्त दिया हुआ है कि वो दूसरा घर ले और उसे सेट करे। उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें रुख्सत कर दूंगी। फिर क्या करोगी? अपने घर जाकर भी नौकरी करोगी, मेहनाज का घर चलाओगी? प्लीज अम्मी, इसीलिए तो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अम्मी आप खुद सोचें, अगर मैं शादी कर लूंगी तो आप ही के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। और आप ही को जो थोड़ा बहुत सुकून है असगर की तरफ से वो भी चला जाएगा। देखो मलिया, फहद के मामले में भी मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि तुम मेहनाज से झूठ मत बोलो, लेकिन तुम नहीं मानी और फिर उसका अंजाम देख लिया ना। क्या अंजाम भुगतना पड़ा हमें, और फिर तुम वही गलती कर रही हो। तो फिर अम्मी आप ही बताएं मैं क्या करूं, क्या आप ही को ऐसे ही छोड़ दूं? ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी हो चुकी है, मैं जारा से दूसरी शादी के बारे में सोच नहीं सकता। क्यों नहीं समझा रहे आप इन्हें? अरे बेटा मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ तुम्हारी माँ को कि क्यों किसी बच्ची का घर उजाड़ रही हो, पर इनकी समझ में कुछ आए तब ना। आप तो हर ऐरे गहरे के लिए जज्बाती हो जाते हैं। पहले वो जैन था और अब ये फायजा। मामा फायजा कोई गैर नहीं, मेरी बीवी है। और जारा को कौन से रिश्तों की कमी है जो आप उसके लिए इतना परेशान हो रही है? हाँ ठीक कह रहे हो, जारा को तो सब हाथों हाथ लेंगे, वो है ही इतनी प्यारी, हर कोई राजी हो जाएगा उससे शादी करने के लिए। लेकिन मैं जारा को अपनी बहू के रूप में देखना चाहती हूँ। मामा ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, और मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता।
आई एम सो सॉरी, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और अगर आपको वो इतनी ही बुरी लगती है तो ठीक है, फिर मैं उसे यहां से लेकर चला जाता हूं। देखा आपने, ये होता है गैर लड़की को घर में लाने का नतीजा। दो मिनट में इसने कह दिया कि जी मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। जरूर उस लड़की ने इसके कान भरे होंगे। अगर उस लड़की की जगह जारा होती ना, कभी भी इसको ये उल्टी सीधी बातें ना सिखाती। मामा फायजा ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, और प्लीज उसे कुछ मत कहें। जानते हो भाई साहब की मौत की वजह तुम्हारी शादी थी। वरना उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। क्या आप कहना क्या चाह रही हैं? ताहे अब्बू की मौत मेरी वजह से हुई है? अरे तमन्ना फजूल बातें मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई साहब बड़े दिल के मालिक थे, उन्होंने तो खुद मुझे कहा कि उन्हें नौमान से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि तुम भी नौमान को माफ करके उसकी बीवी को अपना लो। अरे तभी तो मैंने इन्हें माफ किया है, अगर वो ना कहते तो मैं कभी इन्हें अपने घर में नहीं रखता। वैसे तो आप हर वक्त नौमान के पीछे पड़े रहते और आज मेरी मुखालफत में इसकी साइड पे हो गए। मुखालफत और साइड वाली कोई ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा हक का साथ देता हूँ और इस वक्त नौमान हक पर है। जो भी है मैं नहीं जानती, लेकिन नौमान को फैजा को छोड़ना ही होगा और जारा को अपनाना होगा। मम्मा, अब मम्मा को समझाते क्यों नहीं है? अगर वो जिद्दी है ना तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मैं एक बात बता दू, मैं ये घर छोड़ दूंगा लेकिन फायजा को नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं क्या चाहती है ये औरत, पहले बेटी के घर के पीछे पड़ी थी, अब बेटे का घर उजाड़ना चाहती है। अरे चुप कर जा आयशा बेटा, चुप भी कर जा ना, तो वफात चला गया, अब क्यों रोई जा रही है? कसम से अम्मा, ये सब उस मलिहा की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और वैसे ना उस असगर की खबर जो थी ना वो पक्की थी। अरे वो कुलसुम मलिहा की शादी फहद से करवाना चाह रही है, इसीलिए तो यहां से चला गया वो, वरना उसे क्या तकलीफ थी हमारे साथ रहने में। फहद कहीं भी चला जाए वो सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। अरे मुझे तो ये लगता था कि अब ये फहद का नाम ही नहीं लेगी कुलसुम, मगर ना भाई, वो इतनी ढिठाई से मेरे सामने बात करने लगी कि मैं तो हैरान ही रह गई। मैं बता रही हूँ अम्मा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या कर लेगी तू है? अरे आशा बेटा, जो उस असगर से ना डरी वो तुमसे क्या डरेंगी? असगर बता रहा था कि वो माँ बेटियां शेरनियां हैं, शेरनियां। भाई उनके मुंह में हाथ डालना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये असगर कौन सा काम निकला है, ये भी तो चूहा ही निकला है। अकेली औरतों को ना संभाल सका, क्या फायदा हुआ इसे उस घर में बिठाने का? अम्मा तुम जाकर खुद मेरी फहद से शादी की बात करो, उसे मजबूर करो, और अगर वो ना माना तो हम उसे बदनाम कर देंगे। अरे अरे बावली हो गई है क्या? मैं जाके उस फहद से बोलूंगी और वो फौरन मेरी बात मान लेगा? अरे वो हमारी धमकियों में नहीं आएगा, अमीर बाप की औलाद है, हमारी तरह नहीं है टटपूंजिया। मानेगा तो इसका बाप भी। अब तुम छोड़ो अम्मा, इस मसले को मुझे खुद हल करने दो। क्या करने वाली है तू आयशा? तुम छोड़ दो, बस ये समझो कि फहद से मेरी शादी होकर रहेगी। अरे
ना जाने इस लड़की के शैतानी दिमाग में अब और क्या आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। नहीं शहर करे, चलो उठो लड़की यहाँ से, बहुत ऐश कर रही है तुमने, अब कोई जगह नहीं है इस घर में तुम्हारी। मम्मा मेरे हाथ तो छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है। इससे पहले कि तुम्हारा हाथ तोड़ दूं मैं, उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। मम्मा मुझे क्यों निकाल रही है, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई भी नहीं है। मेरी तरफ से तुम जहन्नम में जाओ। बड़ी आई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कह रही हूँ, उठो यहाँ से और निकलो। चलो ना तुम भी साथ शादी पे। वो तुम्हारा ससुराल है किंजा, मैं वहां जाके क्या करूंगी तुम्हारी ससुराल की शादी में, ना मैं किसी को जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं। वहां जाके एंजॉय करना ना, और हो सकता है तुम्हें कोई पसंद आ जाए, वैसे भी मामा पापा तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। किंजा प्लीज, चाचू और चाची को कह दो कि मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि बस मैं नहीं करना चाहती, और जरूरी तो नहीं है ना कि हर कोई शादी करे। इनफैक्ट मेरा तो प्लान है कि मैं अब्रॉड मूव हो जाऊं। अब्रॉड मूव हो सकती हो, लेकिन हमारे साथ नहीं रहना चाहती। नहीं नहीं किंसा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग सब तो मेरा कितना ख्याल करते हो, मुझसे कितना प्यार करते हो, बस मुझे यहाँ घबराहट होती है, मुझे पापा की बहुत याद आती है, बस इसलिए मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ कहीं बहुत दूर। आज भी नुमान से प्यार करती हो ना तुम? नहीं नहीं किंजा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रही हो, मैं जानती हूँ बचपन ही से तुम नुमान से मोहब्बत करती हो, इसीलिए यहाँ रहना नहीं चाहती और ना ही शादी करना चाहती हो। अच्छा छोड़ो ना ये सारी बात, इतनी पुरानी बात हो गई, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, कोई और बात करते। ज़ारा मैं जानती हूँ बचपन की मोहब्बत को भुलाना इतना आसान नहीं होता, वो भी खास तौर पर जब आपकी मोहब्बत आपकी आंखों के सामने हो। किंजा प्लीज, इस तरह की बातें मत करो, सोचो नुमान या फायजा में से कोई सुन ले तो मेरी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड हो जाएगी उनके सामने। सुनते हैं तो सुन ले। ज़ारा मैं तुम्हें इतनी बहादुर समझती थी और तुम इतने बुजदिल निकली, इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत किसी और के हाथों में दे दोगी। मैं और करी क्या सकती थी किंजा, तहस नहस कर दो अपनी मोहब्बत छीनने वक्त, मैं तुम्हारी जगह होती तो यही करती। अपनी मोहब्बत की खातिर मैंने तो मामा पापा से भी झगड़ा ले लिया था, तभी तो आज मेरी मोहब्बत मेरे साथ है। किंजा तुम तो इसलिए जीत गई ना क्योंकि जैन भाई की मोहब्बत भी तुम्हारे साथ थी, लेकिन मेरे केस में मैं तुम्हारी इतना लकी नहीं थी। अब खुद सोचो ना किंजा, वन साइडेड मोहब्बत में मैं कर भी क्या सकती थी। नुमान भी दिल ही दिल में तुम्हें पसंद करती, मगर उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा क्योंकि फायजा ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में घेर रखा। तुम्हें नुमान को एहसास दिलाना होगा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, ये तुम्हारे हाथ में है। अब कुछ नहीं हो सकता किंजा, नुमान फायजा का हो चुका। ज़ारा फायजा ने नुमान को तुमसे छीना है, वरना नुमान तो बचपन से तुम्हारा ही था, अब ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम अपनी मोहब्बत कैसे हासिल करती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो अभी भी अपनी मोहब्बत उसे वापस छीन सकती हो। लेकिन मैं ये सब कुछ कैसे करूंगी? ये तो अब तुम्हें ही सोचना पड़ेगा, मगर मैं ये जानती हूँ मोहब्बत और जंग में सब जायज। एक तो ये जैन भी ना, इसको भी चैन नहीं, मैं इसकी बात सुनकर आती हूँ। क्यों, कोई प्राइवेट बात है तो तुम मेरे सामने नहीं कर सकती? हो भी सकती, लव मैरिज का यही तो चार्म है, मोहब्बत हमेशा एक सी रहती है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी।
वो सब क्या था? वो फैजा की कंडीशन, क्या फैजा मां बनने वाली है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो नुमान तो उसका और भी दीवाना हो जाएगा। मैं उस लड़की को किसी भी हाल में कबूल नहीं कर सकती। अबे ले आ खाना, मेरे तीजे का खाना लाएगी क्या? ला रही हूं। हाँ, किधर? गैस नहीं आ रही थी, अभी अभी आई तो रोटी बनाकर लाई हूँ। वाह, क्या बहाने है तेरे, कसम से क्या बहाने। सरकारी मुलाजिम भी क्या बहाने करता होगा। गैस नहीं आ रही थी। ये क्या, दाल? मुझे पता है ना मैं दाल नहीं खाता। उठा इसको, उठा, गोश्त लेके चल 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 चल। गोश्त नहीं है घर पे, कहाँ से लाऊं? अबे जब अपनी माँ से पैसे मांगे थे तो गोश्त के मांग लेती, दाल के क्यों मांगे? मैंने अम्मी से पैसे नहीं लिए। अम्मी से पैसे नहीं लिए, फिर कहाँ से है पैसे? मैं बोल, कहाँ से आए? आपकी जेब से पैसे मिले थे तो मेरी जेब में हाथ डाला, चोरी की तूने है? मेरे पैसे गायब थे, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं गिर गए, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में डाकू मौजूद है। आज के तो कहाँ से ला दी सब कुछ ही मैं? अभी तो मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा ना तो मुझे गोश्त चाहिए। क्या चाहिए? क्या गोश्त? हाँ, और अगर मुझे गोश्त नहीं मिला ना तो तेरी बोटियां बनाकर खाऊंगा। ये दाल खा ले खुद, चल। मामा, मामा जैन की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि मुझे ना आज की पार्टी में सबसे डिफरेंट लगना चाहिए। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं, आप प्लीज हेल्प कर देंगी? मामा, एक तुम इतना परेशान हो और आप जवाब भी नहीं दे रही। ठीक है भाई, मैं जारा के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, अपने लिए वहीं से कुछ ले लूंगी। अरे बात सुनो किंजा, बैठो यहाँ दो मिनट। रॉन्ग मामा, कुछ परेशान लग रही है मुझे। हाँ, मुझे कुछ फैसा के बारे में बताना है तुम्हें। क्या कर दिया उसने? वो मैं अभी गई थी उसके कमरे में। एक सेकंड मामा, सॉरी, जैन की कॉल आ रही है, मैं आती हूँ। हेलो। एक तो इसको जैन से फुर्सत नहीं मिलती है, सारा वक्त उसके पीछे दीवानी रहती है, बेवकूफ कहीं की। Thank you.
क्या वो फैजा, तुम आजकल मुझे ठीक नहीं लग रही हो। तेरी नुमान, मुझे बार बार बहुत उल्टी आ रही है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी तुम्हारे चेहरे से कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुमने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? नहीं नुमान, मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा, बहुत चक्कर आ रहे हैं। यार ऐसे तो तुम्हें कमजोरी हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, सलमा से कहकर तुम्हारे लिए फ्रेश जूस मंगवाता हूँ, उसके बाद हम डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं नुमान, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाने से घबराहट होती है। तुम थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं रेस्ट करूँ। यार बच्चों ऐसी बातें मत करो, डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा तुम्हें हुआ क्या है। तुम कितनी कमजोर। फायजा, इसको क्या हुआ है? था नहीं, आई थिंक फूड पॉइजन हुआ है, बार बार उल्टी कर रही है। मैं देखता हूँ। सारा, तुमने सलमा को देखा है? वो तो किसी काम से बाहर गई है, क्या हुआ है? तुम परेशान लग रही हो। हाँ, वो फायजा की कुछ तबीयत खराब है तो उसके लिए जूस बनवाना था। मैं खुद बना देता। मैं बना देती हूँ। तुम? लेकिन तुम क्यों बनाओगी, तुम हमारे घर की मेहमान हो। अच्छा, मैं तो इस घर को अपना घर समझ के रह रही थी और तुमने मुझे मेहमान बना दिया। नहीं, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल कर रहा था। हाँ, अगर तुम्हें मेरा मेहमान कहना बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारी सॉरी एक कंडीशन पे एक्सेप्ट करूंगी, कि तुम मुझे फायजा के लिए जूस बना दो। ठीक है, लेकिन जल्दी बना देना प्लीज। तुम जाओ फायजा के पास, मैं जूस लेकर आती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। थैंक यू। किंजा बिल्कुल ठीक कहती है, मैं वाकई नुमान को कभी नहीं भूल सकती क्योंकि मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। तो क्या मुझे नुमान को फायजा से छीन लेना चाहिए? ज़ारा, फायजा ने नुमान को तुमसे छीना है, वरना नुमान तो बचपन से तुम्हारा ही था। अब ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम अपनी मोहब्बत कैसे हासिल करती हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो अभी भी अपनी मोहब्बत उसे वापस छीन सकती हो। असगर, देख भाई, अब तू फिर से घरवार वाला हो गया है। काम काज तो तुझे करना ही पड़ेगा, कब तक लोगों के घरों में यूं रोटियां तोड़ता फिरेगा? अबे क्या हो गया खाला, तुमको क्या हो गया है? मर्द का रिस्क जो है ना, औरत के साथ मंसूब होता है। जब औरत ही जेब में हाथ डाल दे तो रिस्क में बरकत खाक होगी। अरे बस रहने दे, अब इतना भी इल्जाम ना लगा। माना कि उसने चोरी की, पर तेरा पैसा तेरे ही घर में लगाया ना। अबे क्या बताऊं खाला, 2000 रुपए की दाल चावल खरीद के ले आई बेवकूफ लड़की। हेलो असगर भाई, गर्मा गर्म रोटी। अरे वाह वाह वाह, दिल खुश कर दिया मेरा, वाह वाह। मैं थोड़ा सालन डाल के। ए बस रहने दे, रख दे, जितना खा लिया इसे ही हजम कर ले। थोड़ा सालन बेटा, हमारे लिए भी रहने दे, हमने भी रात को कुछ खाना डपना है कि नहीं? अब हम दूसरों के घर में जाके थोड़ी रोटियां खाते फिरेंगे। यूं भी फहद के जाने के बाद हमारा खर्चा बहुत होना शुरू हो गया, हमारा तो हाथ ही तंग हो गया भाई। और ये जो नया किराएदार रखा है, अल्लाह माफ करे, रो रो के पैसे देता है और ऊपर से है भी भूखा रंगा। शाबाश खाला, शाबाश, बहुत अच्छे। जितना दलील करना है कर लो, लेकिन जिस दिन मेरी लॉटरी लग गई, मैं अमीर हो गया ना, बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराऊंगा तुम्हें। यहाँ चल जा, चल जा। ये मुंह और मसूर की दाल, तेरे जैसे निकम्मे निखट्टू जो है ना, वो मालदार नहीं होते। अरे काम का ना काज का दुश्मन हमारे अनाज का। अरे असगर भाई, तुम तो बैठो नीचे। क्या हो गया? बैठो तो सही। अबे बहुत इज्जत होगी, जा रहा हूँ मैं भाई। अरे असगर भाई, तो अम्मा को छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम वाकई में मेरा साथ दे दो
तो मैं तुम्हें रातों रात अमीर कर सकती हूँ। वो कैसे? अबे एक मिनट, अब तो थोड़ा सारा ला दो। मिनट से पहले चोर होते थे। ये तुम क्या कर रही हो यहाँ? चची वो मैं फायजा के लिए जूस बना रही थी। क्यों? तुम क्यों बना रही हो? सलमा किधर है? नौकरानी हो तुम कोई उसकी? अरे नहीं नहीं चची, वो नुमान परेशान हो रहे थे फायजा के, तो मैंने खुद ही ऑफर कर। बस ठीक है, अब तुमने बना दिया ना जूस, इतना ही काफी है, ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। सलमा से कहो वो लेकर जाएगी। जी आजा। ये ड्राइंग रूम होगा, वहाँ पे खाने की टेबल भी, और ये मेन लाउंज है। कैसा लगा? अच्छा है यार, मतलब कभी तो खुल के तारीफ कर दिया करो। इतनी मेहनत से घर सजाया तुम्हारे लिए और तुमने कहा बस अच्छा है। खैर इधर आओ, एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या बात, तुमने पूरा घर इतना अच्छा डेकोरेट किया और ये कमरा खाली क्यों? क्योंकि हमारा कमरा और इसे हम दोनों मिलके सजाएंगे। और वैसे भी इतनी अब ज्यादा देर तो रहनेगी, बहुत जल्द तुम इस घर में होगी और देखना इसको कितना अच्छा हम बनाएंगे। देखो वाहद, अम्मी को तो समझा के मैं थक गई हूँ, कम से कम तुम तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे अम्मी और आपी को भी तो देखना है ना अभी। हाँ तो मिलके बांटेंगे जिम्मेदारियां। प्लीज मरिया, आप तो मेरी बात मान जाओ, तुम्हें एतबार नहीं मेरी बातों में। चलो अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूंगी, लेकिन अम्मी और आपी तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं लेंगी, और आपी तो मुझसे और चिढ़ना शुरू हो जाएंगी। फाहद तुम्हें पता है जो मैं दूसरी जॉब कर रही हूँ, आप ही ये नहीं जानते कि मैं उसकी सारी तनख्वाह असगर को देती हूँ, मैंने उन्हें नहीं बताया। देखो मुझसे और इसका वेट नहीं होगा, और मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका तुम्हारी जिम्मेदारियों से, और शादी के बाद तुमने जॉब करनी है तो तुम जॉब करती रहना, फिर तो तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज नहीं होगा ना। लेकिन फहद सब और कुछ नहीं, मिलिया तुम पर हक है ना, तो प्लीज मुझे अपना हक दो। पहली बार मेरे सामने शर्मा रही, बहुत अच्छी लग रही, और इसी बात पर तुम्हें एक अच्छी सी चाय पिला दूँ अपने हाथ की। आ जाओ आ जाओ। हाँ ये आप क्या कह रही हैं? मैं बाप बनने वाला हूँ, आपके मजाक तो नहीं कर रही है ना? यस मिस्टर नुमान, पर आई थिंक ये बात इस तरह की नहीं है कि मैं आपसे मजाक करूं। नो आई एम सो सॉरी, एक्चुअली एक्साइटमेंट में इनको पता नहीं चल रहा कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, पहली खुशी में न्यूली कपल इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। खैर फिलहाल ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इनका बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है। मैं जो मेडिसिन लिख के इनको दे रही हूँ वो तो आपने इनको देनी ही है, लेकिन आपने इनको किसी भी किस्म के स्ट्रेस से भी बचाना है। डॉक्टर डोंट वरी, मैं इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा।
और आपने हर हफ्ते इनको चेकअप के लिए भी लेकर आना है। कुछ लोग इस बात का ख्याल नहीं करते जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड मदर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं खुद रेगुलर चेकअप के लिए इसको हॉस्पिटल लेकर आऊंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। क्या बात है किंसा, इतनी गुमसुम से क्यों हो? मामा, क्या फाइजा वाकई प्रेग्नेंट है? हाँ। तो ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? मैं बताना तो चाह रही थी, तुम्हें जैन से फुर्सत हो तब ना। खैर, मैंने तो अब पूरा इंतजाम कर लिया है इस कस्से को तमाम करने का। नहीं नहीं मामा, पैसा नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बच्चा मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम तो उसे वैसे ही नहीं रखना चाहते। इसे मेरे लिए बहुत फायदा हो सकता है। आपको समझ आया ना, ये बच्चा मेरे लिए कितना जरूरी है। मेरा घर बच सकता है इससे। बच्चा होगा तो अनुमान का, लेकिन मैं उसे पालूंगी। आप समझ रही हैं ना मामा? गर्मा गर्म चाय, ये लो। पापा, ये देखो पापा, मेरी ड्राइंग कैसी है? अरे वाह, बहुत अच्छी। पापा, ये कौन है? ये तुम्हारी मामा है। सच में ही मेरी मामा है? मामा, मैं आपको कभी कहीं नहीं जाने दूंगी। अब आप मेरे साथ ही खेलेंगे पूरा दिन, ओके? हाँ। फायजा, आज हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। तुम्हें पता है, मैं इतना खुश हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहीं सड़क के बीच में खड़ा होकर डांस करना शुरू करता हूँ। क्या वजह है फायजा, तुम आज चुप चुप क्यों? आई थिंक तुम्हें भी आज बहुत खुश होना चाहिए। नहीं नुमान, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खुशी के मौके पर बस अम्मी याद आ गई मुझे, कि मुझे भी अब वही रुतबा मिलने वाला है। फायजा, हमारे दरमियान तय हुआ था कि तुम कभी अपनी माँ से मिलने की इज्जत नहीं करोगी। उन्होंने तुम्हें मुर्दा करार दे दिया
तो फिर तुम जिद क्यों कर रही हो उनसे मिलने के लिए? जो भी है नमान, आखिर है तो मेरी माँ ना। हाँ, मैंने उनका दिल दुखाया, मुझसे गलती हुई, बनता था उनका मुझसे नाराज है। क्या फायजा, तुम हमारे प्यार को गलती कह रही हो? नहीं नुमान, मैं ऐसे नहीं कह रही, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो फायजा, मैंने भी अपनी फैमिली को हर्ट किया था, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें नहीं अपनाया? अब एक दफा तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करके उन्हें कम से कम तुम्हें मिलने के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखो फायजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह कायम हूँ कि तुम उनसे नहीं मिलोगी। ये मेरी तरफ से तुम पर पहली और आखिरी बाउंड्री है।